इसी एक्सप्लेनेशन का जो है मैं अब यूज करने जा रहा हूं आपके किसी भी प्रोटीन पे चार्ज या पीआई की कैलकुलेशंस के लिए. सेम एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स. यू जस्ट नीड टू काउंट ऑन द एनी पेप्टाइड दैट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप एंड द नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप. उससे डिसाइड करना है आपको उसका एक रेंज जो मैंने बताया था ट्राइप्रोटीक में कैसे बनता है, और उसके बाद जो है फिर आप जहां से जीरो होगा उसके अगल बगल के जो दो पीके वैल्यूज होंगे उनका एवरेज ले लेंगे तो वो हो जाएगा उस प्रोटीन का पीआई, और किस पीएच पे क्या चार्ज होगा उसके स्केल से पता चल जाएगा. फिलहाल के तौर पे मैंने क्या बोला कि जब भी किसी प्रोटीन पे पीआई और चार्ज कैलकुलेट करना हो यू नो नीड टू वरी, आपको 9 वैल्यूज बताई गई हैं और दिमाग में क्लियर होंगी इस स्केल के अकॉर्डिंग. ठीक है, अल्फा सीओएच के लिए 2.5 आपने ध्यान में रखा होगा. ठीक है, और अगर फिर मैं इसकी बात करूं तो ये 3.5 है आर ग्रुप एस्पार्टेट के लिए, 4.5 है ग्लूटामेट के लिए, और हिस्टिडीन के लिए 6 है, सिस्टीन के लिए 8 है, अल्फा अमीनो के लिए 9.5 है, टायरोसिन के लिए 10 है, और अर्लाइसिन के लिए 10.5 है, आर्जिनिन के लिए 12.5 है. एंड ये वैल्यूज आई होप कि आपके दिमाग में क्लियर होगी. ठीक है, और इतनी देर तक मैं बता रहा हूं तो रट चुकी होगी अगर नहीं रटा हुआ है तो. नाउ मूविंग अहेड, कि मैंने क्या बताया कि जस्ट जब भी आपको क्या कैलकुलेट करना हो, पी आई ऑन एनी प्रोटीन और चार्ज ऑन एनी प्रोटीन, दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट से निकलेगा जो अभी तक बताया है. चाहे दोनों कैलकुलेट करना हो तो आपको पहले काउंट करना है क्या, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप. किसी भी प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप की मैंने बात करी है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप की बात करी है, आपने अमीनो एसिड की बात नहीं करी है, ग्रुप्स की बात करी है. ठीक है, और ग्रुप में आपको जो है जो एच आर के काउंट करना होगा कि एच आर के कितने हैं, उससे आपके उनके पॉजिटिव चार्ज होगा, और साथ में आप काउंट करेंगे अल्फा अमीनो को भी, है ना. ये एच आर के का जो नंबर होगा, अगर मैं एच आर के नंबर को बोलूं एन और अल्फा उसमें जोड़ देंगे अल्फा एक, तो एक्चुअली में टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा एन प्लस वन. ठीक है, ये होगा आपके पास एन प्लस वन अगर एच आर के का नंबर काउंट करना कि एच आर के है कितने. ठीक है, इसके बाद आप काउंट करेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप. मैं अगेन बता रहा हूं कि आप ये जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं आप किसी लिटरेचर में किसी जगह पे फाइंड नहीं कर सकते और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार मैं बता रहा हूं. ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो आप चैलेंज कर देना मेरे को. मैं चाहता हूं कहीं अगर आपको मिले ऐसा एक्सप्रेशन तो बताओ कि कहां पे अवेलेबल है. मैं चाहता हूं जानना कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी सही में यूनिक है, क्योंकि मैं सबके लेक्चर्स को देखता नहीं, लेकिन आप लोग अलग अलग जगहों पे देखते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं. एक बच्चा 10 सब्सक्रिप्शन लेके बैठा होता है तो आप बता दीजिएगा अगर मिल गया होगा तो. अब फिलहाल के तौर पे आपने पॉजिटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स के लिए एचआरके का नंबर अगर मैंने एन शो किया है कि कितने एचआरके हैं, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन पूरे पेप्टाइड में अगर वो एन है तो एन प्लस वन शो कर देंगे, टोटल हो जाएगा एन प्लस वन. और मैंने जब यहाँ पे बात पॉजिटिव को पी रखो, एन नहीं पी रख दो, तो इससे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पी से पॉजिटिव, पी से वो वाला, इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा पी प्लस वन. ठीक है, और उसके बाद जो है जितने भी नेगेटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स के लिए अगर आपको काम करना है तो वो हो जाएगा, देखो डीसी काउंट करना है, डीईसीवाई इसको मैं बोलो दैट इज एन, नेगेटिव को एन बोल दिया, और ये आपके पास हो जाएगा क्योंकि डीसी के साथ साथ आपको अल्फा कार्बोक्सिलिक भी लेना है, तो टोटल आप शो करोगे एन प्लस वन. पी प्लस वन टोटल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, पी इज द नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स एंड एन प्लस वन एन इज द नंबर ऑफ डीसी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप है. डाई प्रोटीन को कंसीडर नहीं करना है पेप्टाइड में क्योंकि उल्टा अल्फा सीओएच और अल्फा अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है बीच में, अनलेस वो आपके एन या सी पे ना हो, और अगर है भी तो आप ऑलरेडी एन और सी टर्मिनल कंसीडर कर रहे हैं. अब इसके बाद जब ये बात कर लेते हैं तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा पी प्लस वन, अगर मैं इसको लिख रहा हूं एक्स और इसको लिख रहा हूं वाई, तो आपका एक रेंज तैयार होगा और वो रेंज कुछ ऐसे चलेगा प्लस एक्स जो भी वैल्यू होगी. अगर एग्जांपल के तौर पे पांच है, अगर मैं एक्स की वैल्यू एग्जांपल में पांच मान लो, दो मान के चलता हूं नॉट फाइव. ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे आपने जो है फाइव मान लिया, दो मान लिया, और वाई की वैल्यू जो है आपने एग्जांपल के तौर पे दो मान लिया, तो ये जो रेंज होगा ये जो क्लासिफाइड रेंज होगा कैसे चलेगा, पॉजिटिव की वैल्यू यानी प्लस टू, फिर प्लस वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, ये चलेगा. इस तरीके से आपका एक रेंज जो है वो क्लासिफाइड हो जाएगा, और इस रेंज में जो है आप जो पीके वैल्यूज जो होंगी जितनी भी होंगी जितने अमीनो एसिड्स होंगे सभी के पीके वैल्यूज का लिस्ट आपको पता है, सिक्वेंस भी मैंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, इसको सभी वैल्यूज को लिख लीजिए और इसमें बीच बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चिपकाते चले जाइए. अगर कई बार क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
दो जो चार्ज होगा एक बार लैप्स हो जाएगा, मतलब सिक्वेंशियल ना होके जीरो से माइनस वन ना होके माइनस टू हो सकता है, अगर हो सकता है कि दोनों सेम अमीनो एसिड है तो। एग्जांपल बताऊंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया अप्रोच के तौर पे कि जब भी आपको पीआई और चार्ज किसी पेप्टाइड पे कैलकुलेट करना है तो आप पॉजिटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टोटल ग्रुप्स को कैलकुलेट करिए और निगेटिवली, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचआरके को काउंट करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अमीनो एसिड का आर ग्रुप्स है और उसके साथ अल्फा अमीनो को कर देंगे तो टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। या इसको मैं थोड़ा और जो है इसको X बोलू और इसको Y बोल देता हूँ, थोड़ा नोटेशंस को अलग कर देता हूँ जिससे P और N ही रखे रहते हैं। ये मैंने X बोला और ये Y, तो प्लस वन करके जो है X प्लस वन करके जो है वो मैंने P टोटल पॉजिटिवली चार्ज और Y प्लस वन करके N मैंने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव को P और N कर दिया है, सो दैट आपके P और N ध्यान रहे कि कैसे करना है। ठीक है, अब इसके साथ आप एक रेंज बनाएंगे प्लस P से लेके माइनस N तक, ये बनेगा प्लस P से लेके माइनस N तक इस सिक्वेंशियल मैनर में, और इसके बीच में आप जो पी के वैल्यूज है वो सिक्वेंसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और पीआई और चार्ज वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स सी वन एग्जांपल। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आई हैव वन पर्टिकुलर एग्जांपल हियर दैट ग्लूटामेट हिस्टिडीन ट्रिप्टोफैन सेरीन ग्लाइसिन ल्यूसीन आर्जिनिन प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। यू वांट टू कैलकुलेट द पीआई एंड द चार्ज एट एनी पीएच, किसी भी पीएच पे पूछे आपको सिर्फ यही प्रोसीजर फॉलो करना है, उस पीएच पे चार्ज तुरंत बता देंगे। आपको अलग अलग पीएच पे करने के लिए अलग अलग अप्रोच की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ नहीं है, इसी एक अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, अल्फा अमीनो लिख दीजिए और अल्फा सीओ एच लिख दीजिए या सीओ माइनस लिख दीजिए। रीजन बिंग दैट ये किसी पेप्टाइड में मेंशन नहीं किया रहता लेकिन ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है जो कि आपको कंसीडर करना रहता है। अब मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे आप सभी के आर ग्रुप्स को मेंशन कर दीजिए। अब आर ग्रुप्स को जैसे ग्लूटामेट का आर ग्रुप आपने मेंशन किया, इसके बाद देखो आर्जिनिन के आर ग्रुप्स को आपने मेंशन कर दिया। अब आपने इसके पी के वैल्यूज जो आपके दिमाग में है, जैसे अल्फा अमीनो का पी के वैल्यूज 9.5 है, इसका आर सी ओच का जो है वो 4.5, ग्लूटामेट है तो 4.5 होगा। इसके बाद हिस्टिडीन है, यहाँ पे हिस्टिडीन का क्या शो करेंगे आप, 6 शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एसिडीन के पास जो है अमीनो ग्रुप्स होंगे फिलहाल के तौर पर 6 होगा, और उसके बाद जब हम चर्चा करते हैं तो ट्रिप्टोफैन सेरीन ग्लाइसिन ल्यूसीन आर्जिनिन के पास आर अमीनो है कितना शो करेंगे, 12.5, और 12.5 आप शो करेंगे फिर यहाँ पे एट आएंगे तो ये हो गया 2.5। हुआ कि नहीं हुआ जनाब, अरे बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो गया, क्या करना है, सबसे पहले पी और एन की बात करनी है। पी क्या होता है, एक्स प्लस वन, एक्स क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड क्या काउंट करना है, एच आर के। देखो पहले आप एक्स काउंट करो, एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ एच आर के। ठीक है, तो यहाँ पे x शुड बी, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच आर के। एच आर के का नंबर कितना है बताओ जनाब, अरे बोलो भाई, एक और दो, तो ये हो जाएगा। और इसी में एक जोड़ देंगे तो x प्लस वन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, p दैट इज 3, और वन क्यों जोड़ा है मैंने, अल्फा अमीनो के लिए जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब बात करते हैं y के लिए, मतलब दैट इज y यानी निगेटिवली चार्ज, कितने हैं, बस एक निगेटिवली चार्ज, एक ही है, एक वो है, है ना। तो आपने y की वैल्यू कितने शो करी, y जो है, y इज नंबर ऑफ dc, नंबर ऑफ decy, नंबर ऑफ dc, और ये है वैल्यू 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 दैट इज 2, वाई वन, बिकॉज आपने ये अल्फा सीओच को रखा हुआ है ना, तो आप अगर नहीं भी काउंट करेंगे तो इस 1 वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये जो है एक्स पी और एन की वैल्यू रख ली, पी का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो यानी यहां का सीरीज बताओ मुझे, सीरीज कैसे चलेगा फटाफट बताओ, प्लस प्लस 3, प्लस 3 से फिर प्लस 2, प्लस 2 से प्लस 1, फिर देख रहे हो ना, ये प्लस 3 से ये प्लस पी से लेके माइनस एन तक चला गया, यस और नो। नाउ अब इस केस में ये आपने वैल्यूज को ऑलरेडी रख रखी है, इस वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखोगे, पी के वन हियर 2, यानी यहां पे क्या होगा 2.5, इसके बाद 4.5, फिर 6, फिर व्हाट शुड बी द पी आई दोस्त, पी आई क्या होगा, पी आई देखो जीरो कहां है, देखो ये रहा जीरो, जीरो के अगल बगल यानी ये और ये, तो ये हो जाएगा 6.0 प्लस 9.5 बाय 2, 7.8। अरे आया है नहीं आया, पी आई निकल गया, बहुत डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
अब किसी ने किसी पीएच के ऊपर बात करी, बताओ किसी पीएच पे क्या चार्ज होगा, चार पे क्या होगा। तो अब इसी का उल्टा थोड़ा सा मैं समझाने, वैसे तो इसी से निकल जाएगा, अगर देखो कि 2.5 की बात करें तो 2.5 से पहले ये चार्ज होगा और 2.5 के बाद ये वाला चार्ज होगा। किसी ने 4 बोला तो देखो 4.5 से पहले ये चार्ज होगा और 4.5 के बाद ये चार्ज होगा, ठीक है। 6.5 से पहले यानी 4.5 से ये रेंज देखो, इसी में ये रेंज बना सकते हो, इसी चार्जेस में रेंज होगा, 0 से लेकर 2.5 तक प्लस 3 चार्ज है, 2.5 से 4.5 पे प्लस 2 चार्ज है, 4.5 से 6 तक प्लस 1 चार्ज है, 6 से 9.5 तक 0 चार्ज है, और 9.5 से 12.5 तक माइनस 1 और उससे 14 तक माइनस 2। किसी ने आपको किसी भी पीएच पे पूछ दे भाई, 4 पे पूछे तो बोलोगे प्लस 2 है, क्योंकि 4 किस में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में। अगर किसी ने 5 पूछ दिया तो इसमें आएगा, 4.5 से 6 में तो प्लस 1 होगा। किसी ने आपसे 2 पूछ दिया तो प्लस 3 आएगा, किसी ने आपसे 7 पूछ दिया तो 0 आएगा, किसी ने 9.5 से 11 पूछ दिया तो इस रेंज में आएगा, माइनस 1 आएगा। कोई भी पीएच पूछे तुरंत बता दोगे, अलग अलग पीएच पे अलग अप्रोच की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है। और एक एग्जांपल ये भी है, अब इस एग्जांपल में बात करते हैं तो ये है H, आपके पास एच जी के पी डी सी ई आर ए वाई, इसमें मैंने पूरा डेसी एच आर के को यूज किया है एज ए पेप्टाइड के तौर पे। अब इस पूरे केस में देखोगे तो एक अल्फा अमीनो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और इसी के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा सा मुझे बताओ कि इसमें जो है एच आर के कितने हैं, काउंट करके तो बताओ फटाफट, एच आर के कितने हैं जनाब, 1, 2 और 3, कितने हैं एच आर के, 3 है, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 1 कितना शो करोगे, 4। और उसके बाद देसी कितना है जनाब, देसी काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4 कितना है, 4। तो देसी 4 है तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 + 1 दैट इज 5, ये हो जाएगा। यानी पॉजिटिव में प्लस 4 से लेकर माइनस 5 तक रेंज बनेगा, क्या रेंज बनेगा, प्लस 4 फिर प्लस 3 प्लस 2 आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज को आप रख सकते हो, देखो सिक्वेंसली अगर मैं अरेंज करूं तो आपको पता है कि 2.5 जो है वो 0 से लेके 2.5 में ये रहेगा प्लस, जैसे 2.5 देंगे वो प्लस 3 हो जाएगा, और 3 + 3 से प्लस 2 क्या हो, देखो 2.5 फिर इसमें जो है आपके सारे वैल्यूज जो है, तो ये क्या होगा 3.5 आएगा, ये आएगा अल्फा के लिए, ये किसके लिए आएगा, स्पार्टेट के आर ग्रुप के लिए, देखो इसके आर ग्रुप के लिए, फिर ये 4.5 ग्लूटामेट के आर ग्रुप के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर 1 से 0 किसमें आएगा, 6 हिस्टिडीन के लिए, फिर 6 से 8 आएगा सिस्टीन के लिए, 8 से 10 आएगा टायरोसिन के लिए, सॉरी 9.5, 8 से फिर आएगा 9.5 अल्फा अमीनो, फिर 10 आएगा टायरोसिन, फिर आएगा आपका लाइसिन 10.5 और फिर आएगा 12.5। आया या नहीं आया, ये सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है, पूरी वैल्यूज को मैंने यहां पर रख दिया है, एक ऐसा एग्जांपल जहां पे आपने पूरी वैल्यूज का यूज किया है, ठीक है। अब इसमें अगर पीआई कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे भाई, 0 कहां है, यहां है, इसके अगल बगल 2 वैल्यूज, कौन सी, 1 6 और 1 8, यानी इसका पीआई कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, द पीआई शुड बी 7। पीआई निकालिए, किसी भी पेप्टाइड का पीआई निकाल सकते हो मैन्युअली। और चार्ज कैलकुलेशन की बात करें तो चार्ज कैलकुलेशन अब किसी भी रेंज में पूछे, अगर आपसे 0 से 2.5 पूछे तो आप बोल दोगे कि ये है प्लस 4, ठीक है ना। अगर इस रेंज में कोई भी वैल्यू पे पूछे प्लस 4, इस रेंज में पूछे तो प्लस 3, 3.5 से 4. प्लस 2, 4.5 से 6 प्लस 1, 6 से 8 0, 8 से 9.5 माइनस 1, 9.5 से 10 माइनस 2, 10 टू 10.5 माइनस 3, 10.5 टू 12.5 माइनस 4, 12.5 टू 14 माइनस 5, कुछ भी हो जाए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 10.5 लाइसिन के लिए होगा, नॉट 12.5, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने क्या पिछले क्वेश्चन में भाई, ठीक है। तो लाइसिन के लिए जो है 12, मैंने कहा 12.5 की बात ही कहां करी, तो ये अच्छा यहां वाला, अच्छा ये स्केल थोड़ा सा अलग हो गया है ना, इसमें लाइसिन है क्या, हाँ सॉरी, दिस इज 10.5, ओके दैट इज माय बैड, आर्जिनिन 2 नहीं है, लाइसिन 2 है, तो लाइसिन के लिए कितनी वैल्यू होगी, 10.5 होगी, ठीक है ना, ये जो है हो गया, ठीक है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे ना, थोड़ा बहुत वैल्यू जो है वो इधर से उधर हो गया, तो ये आपका एक ऐसे ट्रिक है जो आपने कहीं अभी तक नहीं पाई होगी, पहली बार जो है वो वेरेंसी की क्लासेस में बताई गई है, इसके बाद कोई क्लेम करता हुआ पाया जाता है तो बात अलग है। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द पीआई एंड द चार्ज कैलकुलेशन ऑन एनी पेप्टाइड, कहीं पे भी कभी भी, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दे दिया है, आप ब्रश से सॉल्व कर लेना, और साथ में
कुछ क्वेश्चंस आपके जो है अवेलेबल होंगे तो वो भी देख लेना, ठीक है।